नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूपी लाइव 100 न्यूज पर। देश दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। खबर है जनपद बहराइच से, गढ़तौली से बाज नहीं आते हैं कुटदार, सरकारी के मंसूबे पर पानी फेर रहे जिम्मेदार कर्मचारी और कुटदार। यहां ताजा मामला जनपद बहराइच के विकासखंड चितौरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिचला कुटदार का है, जहां पर कुटदार की दुकान पर आए दिन लटक रहा ताला, वहीं ग्रामीणों काट रहे कुटदार के घर का चक्कर। कुटदार धर्मराज के दबंगई और मनमाने से परेशान ग्रामीण, वहीं देते एक यूनिट पर 4 किलो राशन, वहीं अंत्योदय कार्ड धारकों को 2 किलो चीनी शिकायत करने पर ग्रामीणों को मिलती है फटकार और डांट। प्रदेश सरकार पानी की तरह पैसा बहारे, वहीं गरीब जनता के लिए फ्री राशन चीनी तरह तरह के लाभ, यहीं तो गरीब जनता का हक डका रहे कुटदार और कर्मचारी। सरकारी गढ़तौली को रोकने के लिए मशीन भी बदल दी, मगर गढ़तौली रोकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे चित्रों ब्लॉक के कई कुटदार की चल रही मनमानी। देखिए पूरी रिपोर्ट बहराइच से, अहमद हुसैन की रिपोर्ट। कोटेदार का क्या नाम है? धर्मराज। कौन सा गांव है? धोगा। क्या समस्या है आपको? अरे भैया हमरा लोन थे या कुछ हिस्सा ना खेती में बाजू मंजूरी करी। कौन सा कार्ड है तुम्हारे पास? लाल कार्ड। गल्ला मिला है अभी? अभी नहीं मिला। कितना देते हैं? 2 किलो का। 33 किलो? 32 किलो। हाँ। चीनी दिए हैं? स्वच्छ मिशन की खुले आम उड़ाई जा रही धज्जियां, जहां पर साफ सफाई कर्मी पोस्ट हुए 2 साल से गांव में नहीं पहुंचे सफाई कर्मी, वो नाली साफ करने पर घर बैठे लेते हैं सरकारी तनख्वाह का पैसा, वहीं प्रधान अपने जेब से पैसा खर्च करके करवाते हैं गांव की साफ सफाई। यहां ताजा मामला जनपद बहराइच के विकासखंड बलहा ग्राम पंचायत अमा पोखर का है, जहां पर लगभग 2 साल से सफाई कर्मी गांव तक झांकने नहीं आए, घर पर बैठकर सरकारी पैसों का डका रहे सफाई कर्मी। ग्राम प्रधान अपने जेब से पैसा खर्च कर करवाते हैं गांव की साफ सफाई। सफाई कर्मी से परेशान ग्रामीण गरीब जनता कई बीमारियों का कर रहे हैं सामना। आक्रोशित ग्रामीण साफ सफाई ना होने से परेशान होकर किया धरना प्रदर्शन, वही सरकार के बड़े बड़े दावे साफ सफाई बढ़ाओ बीमारी देश से भगाओ, यही तो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी सरकारी मनसूबे पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। बहराइच से अहमद हुसैन की खास रिपोर्ट। अवैध मिट्टी खनन रोकने के नाम नहीं ले रहे हैं। थाना बैठा के अंतर्गत हकीम गांव के पास मिट्टी खनन का कारोबार बड़े तेजी से चल रहा है। इससे पहले कई गाड़ियां सीज हो चुकी हैं और बैठा थाना के अंतर्गत से दबंग मिट्टी खनन को खौफ नहीं रहा प्रशासन का। देखिए पूरी रिपोर्ट बहराइच से, अहमद हुसैन की रिपोर्ट।
नमस्कार, मैं हूं इस्माइल अंसारी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आपको देश और दुनिया की कोई खबरें मिस ना करें। जुड़े रहिए हमारे साथ यूपी लाइव 100 न्यूज चैनल पर।